मंदिर ने पुकारा मस्जिद ने पुकारा मंदिर ने पुकारा मस्जिद ने पुकारा अल्लाह ने पुकारा तुम्हें ईश्वर ने पुकारा अल्लाह ने पुकारा तुम्हें ईश्वर ने पुकारा आजाद वतन के लिए बलिदान हो जाना आजाद वतन के लिए कुर्बान हो जाना आजाद वतन के लिए बलिदान हो जाना आजाद वतन के लिए कुर्बान हो जाना बनने को तैयार रहो मिलने को तैयार रहो बनने को तैयार रहो बनने को तैयार काम की खिदमत में रहो मिलने को तैयार काम की खिदमत में रहो मिलने को तैयार बनने को तैयार रहो मिलने को तैयार रहो बनने को तैयार रहो बनने को तैयार बनने को तैयार रहो मिलने को तैयार रहो बनने को तैयार रहो नमस्कार। आज आज़ादी नामा में श्रद्धांजलि शहीद आज़म भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को आज उनकी शहादत के 90 साल पूरे हो रहे हैं। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भारत माता के इन तीनों सपूतों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। आज़ादी नामा का यह एपिसोड आज़ादी नामा की यह दास्तान इस रिकॉर्ड पर आधारित है जो रीगल लेबल पर रिलीज हुआ था साल 1938 में। इसमें सरदार भगत सिंह की शहादत की दास्तान है सिंधी भाषा में, जिसे लिखा और गाया था तोलूराम जी ने। इस रिकॉर्ड पर बात करेंगे और इसे सुनेंगे भी, पर उससे पहले बात महात्मा गांधी की एक चिट्ठी की, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने इंटरसेप्ट किया था 20 जून 1931 को। तब गांधी बोरसाट गुजरात में थे। उनकी चिट्ठियों पर अंग्रेजी हुकूमत की खास निगाह होती थी। डाक विभाग सरकारी होता है, यदि सरकार चाहे तो निगरानी के नाम पर जो चाहे कर सकती है, और यह हमेशा से होता आया है और हर जगह होता आया है। चिट्ठी छोटी सी थी। चिट्ठी लिखी गई थी आनंद किशोर मेहता को, जो लाहौर में रहते थे। श्री मेहता ऑल इंडिया भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव मेमोरियल कमेटी लाहौर के महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे। गांधी जी ने श्री मेहता की चिट्ठी के जवाब में स्मारक की व्याख्या करते हुए लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिसकी स्मृति में कोई स्मारक बनता है उसके कृत्यों को उसकी करनी या उसके डीड का ही स्मारक बनाने वाले अनुकरण करेंगे। यह स्मारक हमेशा उन करतूतों को ही अपनाने की प्रेरणा देगा, इसलिए मैं अपने आप को किसी भी तरह से ऐसे स्मारक से जोड़ना नहीं चाहता। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह चिट्ठी उन तमाम व्याख्याओं और प्रयासों पर पूर्ण विराम लगा देती है जिनमें यह बताने की कोशिश की गई है कि गांधी जी की सहानुभूति किसी न किसी रूप में भगत सिंह और उनके साथियों के साथ थी। गांधी जी की यह चिट्ठी भारत के नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में सुरक्षित है। जिन्हें इसमें ज़्यादा दिलचस्पी हो वे नेशनल आर्काइव्स जा सकते हैं। खैर, देश के शहीदों से प्यार करने वाले गांधी की अनुमति या अनुशंसा की प्रतीक्षा नहीं करते थे। 28 अप्रैल 1931 को लाहौर के प्रसिद्ध ब्रैडलो हॉल में, जिसे कांग्रेस के ही फंड से बनाया गया था, एक बड़ी जनसभा हुई जिसमें लाहौर के शहीदों के स्मारक बनाने के लिए ऑल इंडिया भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव मेमोरियल कमेटी का गठन किया गया। उस सभा में पंजाब के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे और भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह भी। तय यह हुआ कि स्मारक के रूप में एक पुस्तकालय, एक वर्कर होम, एक लेक्चर हॉल बनेगा और एक कोष की स्थापना की जाएगी जिससे राजनीतिक कैदियों
की मदद की जाएगी। और उस कोष के लिए, उस फंड के लिए 10 लाख रुपए का लक्ष्य रखा गया। कोई भी व्यक्ति 50 रुपये देकर उस कमेटी का सदस्य भी बन सकता था। समर्थन और सहयोग के लिए सैकड़ों लोगों को पत्र लिखा गया, एक पत्र गांधी जी को भी गया था। उस स्मारक में गांधी जी को क्या आपत्तिजनक लगा, यह तो उनसे अब पूछा नहीं जा सकता। आपको यह भी बताते चलें कि तब के होम सेक्रेटरी एच विलियमसन ने उस कमेटी की गतिविधियों को बहुत गंभीरता से लिया और पंजाब सरकार को यह निर्देश दिया कि किसी भी तरीके से वह उस कमेटी को तोड़ने की कोशिश करें। हाँ, जब उनको और ब्रिटिश हुकूमत को यह पता चला कि गांधी जी उस कमेटी की गतिविधियों से अपने को असंबद्ध कर रहे हैं, तो उससे उन्होंने राहत की सांस जरूर ली होगी। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो अब कम से कम भारत की आज़ादी के इतिहास को तो अच्छे से और साफ सुथरे तरीके से लिखने की ईमानदार कोशिश होनी ही चाहिए। और यह काम सिर्फ सरकार का या सरकारों का नहीं है, हम सबको इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए। आप सब भगत सिंह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सी फिल्में भी हैं, बहुत कुछ लिखा गया भी है किताबों में और अखबारों में, फिर भी बहुत कुछ हमारी यह पीढ़ी नहीं जानती। अब यदि मैं यह पूछूं कि भगत सिंह दिवस कब और किस तारीख को मनाया गया, तो बहुत कम लोगों को पता होगा। क्या आप जानते हैं? बहुत कम लोगों को पता है कि 17 फरवरी 1931 को पूरे पंजाब में, और तब के पंजाब में जिसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में है, भगत सिंह दिवस मनाया गया। कसूर, मोगा, फिरोजपुर, सियालकोट, लुधियाना, लायलपुर, फगवाड़ा, बिलगा, बंगा, बटाला, ओकारा, गुजरांवाला, अमृतसर, जरांवाला, शेखुपुरा जैसे कस्बों और शहरों में भगत सिंह अपील कमेटी का गठन हुआ था, जो भगत सिंह और साथियों की रिहाई के लिए अभियान चलाती थी। सबसे बड़ी सभा 17 फरवरी को लाहौर में हुई, जिसमें लगभग 15,000 लोग शामिल हुए। वहां के मंच से डॉक्टर सत्यपाल, सरदार शार्दुल सिंह और बाबा सोहन सिंह ने सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों को चेतावनी दी और उनसे भगत सिंह और उनके साथियों की रिहाई के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा। उसी दिन अमृतसर में मनाए गए भगत सिंह दिवस में अहमद दीन और गुरदीत सिंह ने कांग्रेस से कहा कि यदि वह भगत सिंह के समर्थन में पहल नहीं करती है, तो गांधी को काले झंडे दिखाए जाएंगे और साइमन गो बैक की तरह गांधी गो बैक के नारे भी लगेंगे। परंतु दुर्भाग्यवश इन सब का कोई असर नहीं हुआ और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया। और इस समझौते के साथ साथ भगत सिंह और उनके साथियों की रिहाई की संभावनाएं भी कम हो गई। यह वही इरविन था जिसने एक स्पेशल ट्रायल कोर्ट का गठन किया था, एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस के जरिए 1 मई 1930 को लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के लिए, इसने न्याय के हर आधारभूत तत्वों को दरकिनार कर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी। गांधी जी ने इरविन के साथ हर बात के लिए समझौता किया, पर भगत सिंह और साथियों के साथ हो रहे अन्याय की बात तक नहीं उठाई। श्यामलाल, अमोलक राम कपूर, अमरनाथ मेहता, प्राणनाथ आदि कई काबिल वकीलों ने हर तरह से कोशिश की कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को न्याय मिले। उनके उन प्रयासों के लिए उनको और उन तमाम लोगों को जिन्होंने पंजाब के कोने कोने में भगत सिंह अपील कमेटी बनाकर भगत सिंह और उनके साथियों के लिए जन समर्थन बनाया, उन सबको तहे दिल से सलाम करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस में हर व्यक्ति भगत सिंह या अन्य क्रांतिकारियों से सहानुभूति नहीं रखता था। सुभाष चंद्र बोस लाहौर में चल रहे मुकदमे के दौरान कोर्ट जाकर भगत सिंह और उनके साथियों से मिले थे। जवाहरलाल नेहरू तो जेल जाकर उन सब से मिले थे और उनके साथ हो रहे सलूक की निंदा भी की थी। मोतीलाल नेहरू और मोहनलाल सक्सेना भी 21 दिसंबर 1929 को लाहौर के कोर्ट में भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने गए।
अंग्रेजी हुकूमत की खुफिया शाखा ने उस मुलाकात का विवरण देते हुए कहा कि मोतीलाल नेहरू ने उन क्रांतिकारियों से हाथ भी मिलाया और उन्हें सलाम भी किया। आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तय तारीख 24 मार्च से एक दिन पहले ही लाहौर के जेल में फांसी दे दी गई। उसके बाद रातों रात बिना परिवार को सूचना दिए उन सबका दाह संस्कार भी कर दिया गया और उनकी अस्थियों को भी दूर सतलज में प्रवाहित कर दिया गया। भारत माता के इन 3 सपूतों की शहादत के 2 दिन बाद ही कराची में कांग्रेस का 45वां अधिवेशन शुरू हुआ। कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत का एक खास फॉर्मेट था। अधिवेशन का अध्यक्ष अपने भाषण की शुरुआत बीते साल में मरने वाले खास लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देकर शुरू करता था। इसमें भी दी गई पंडित मोतीलाल नेहरू को और मौलाना मोहम्मद अली को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु खास नहीं थे। उनका नाम तो क्या उनकी तरफ कोई इशारा तक न हुआ, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। इस बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, इतिहास सिर्फ वो नहीं होता जो किताबों और सिलेबस में रखा जाता है। इतिहास हमारी आपकी याददाश्त में भी होता है, जो हमारे आपके चरित्र का निर्माण भी करता है। पूरा देश लाहौर के इन 3 शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था। एक बड़ी खास श्रद्धांजलि आई सिंध के लरकाना से। वहां के तोलू राम जी ने अपनी भाषा सिंधी में शहीद आजम सरदार भगत सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी एक गीत लिखकर और गाकर। तोलू राम ने यह गीत ग्रामोफोन कंपनी के प्राइवेट रिकॉर्डर्स स्कीम के तहत रिकॉर्ड भी किया। रिकॉर्डिंग तो शहादत के बाद ही हुई थी, पर वह रिलीज हुई 1938 में रीगल रिकॉर्ड लेबल पर। इस लेबल पर सिंधी के साथ साथ मुल्तानी, पंजाबी, पश्तो और फारसी में भी रिकॉर्ड निकले। लाहौर के बख्शीराम एंड सन्स ने इन रिकॉर्ड्स की मार्केटिंग की। लाहौर के अनारकली बाजार में जानकीनाथ कुमार एंड ब्रदर्स, केदारनाथ मेहरा एंड सन्स, जेडी राजपाल आदि अन्य मशहूर दुकानें थीं जहां से ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के श्रोता रिकॉर्ड्स खरीदते थे। आपको यह भी बताता चलूं कि मुझे भी ये रिकॉर्ड लाहौर में ही मिला था, और ऐसे बहुत से और रिकॉर्ड जिनको आगे आपसे साझा करूंगा वो मुझे लाहौर से मिले थे। और यह कुर्ता जो आज के इस खास कार्यक्रम के लिए मैंने पहना है, यह भी मैंने लाहौर में ही बनवाया था। अभी सुनते हैं तोलू राम जी का गाया हुआ सिंधी गीत जिसमें उन्होंने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी है। आपको यह भी बताता चलूं कि इसमें दूसरी तरफ तोलू राम जी ने गांधी जी की प्रशंसा में एक गीत गाया है। रीगल जो लेबल था वो कोलंबिया रिकॉर्ड कंपनी का ही एक लेबल था जो क्षेत्रीय भाषाओं के लिए खास करके प्रयोग में आता था। चलो से जत सालार भगत भारत जो बनो लाद लो दिलदार भगत हर जाए हिंदुस्तान से मातम मचायो पनीर बहायो हर दिल से कयो मुहबो मन थार भगत लाहौर मां पहुंचो जग दिल ओ दुनिया को हर जा छुटिया को सूरे ओ सचो देश जो सिंगार भगत भारत जे जवानन जो हो रूहे रवा हो रोशन आया हो हर दिल में फिरे गोप तो दीदार भगत
आयो जो तोर में वीर वफा दारु भगत जो लिखो पीओ देन शेर चिथो कहड़ो न मिठो जहने हो चिथो इश्क जो इकरार भगत सरदार भगत चंद्र जो चेहरे से लालान लखाई पासी से आई महताब भी मातम सा कयो हर भगत सरदार भगत नारन जो दुखाय नव गो हर जाय नहारो दर्जी धारो मोरन जो गलन के सुपरी हर भगत सरदार भगत सूर्य के चढ़ो से जत सालार भगत सरदार भगत। मुझे उम्मीद है आप सबने भगत सिंह की शहादत को समर्पित इस भावपूर्ण गीत का आनंद लिया होगा। पिछले एपिसोड के बाद दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कवि और शायर दिनेश मंजर जी ने एक गजल मुझसे साझा की थी। भगत सिंह की शहादत और शहादत के महत्व पर यह गजल बहुत सटीक बैठती है। आप सबसे साझा करना चाहता हूँ दिनेश जी की यह गजल। जिसे संघर्ष से पाया उसे यूं ही गवा दें क्या, कहो ए हिंद बाशिंदो गुलामी को हवा दें क्या। भुला दें वो शहीदों की जवानी मिट गई बेबस, भुला दें दौरे कुर्बानी वो जज्बा सब भुला दें क्या। अभी तामीर करने हैं कई सपने निगाहों के, जिन्हें देखा चढ़े सूली वो रूहें तक रुला दें क्या। वो लौटें दौरे गुमनामी बनाएं फिर कोई आका, झुकाएं सर हमेशा या कि बेहतर सर कटा दे क्या। उठो मंजर जरा सोचो जवानी जी रहे हो क्या, गुरूरे शौक में जीना वो जीना सब भुला दे क्या। आप सबको यह भी बताता चलूं कि भगत सिंह बहुत अच्छा गाते थे, पर वे गाते थे क्रांति के गीत। 19 दिसंबर 1921 को जब लाहौर के कोर्ट में उन पर मुकदमा चल रहा था, तब उन्होंने जज से काकोरी के शहीदों की स्मृति में एक गीत गाने की अनुमति मांगी। उनके साथ बाकी क्रांतिकारियों ने भी वह गीत गाया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। उसके बाद वंदे मातरम के नारे भी लगे। इसे कहते हैं बहादुरी, इसे कहते हैं देशभक्ति। आप सबसे एक आग्रह है कि अगली बार जब 17 फरवरी आए तो हम सब फिर से भगत सिंह दिवस मनाने की परंपरा शुरू करें जो 1931 में शुरू हुई थी। याद रखना बहुत कठिन नहीं होगा, वैलेंटाइन डे के 2 दिन बाद ही 17 फरवरी आएगी। अगले सोमवार को होली है। होली का संबंध कृष्ण से बहुत जुड़ा हुआ है। भारत की आज़ादी के आंदोलन में कृष्ण का आह्वान बार बार हुआ है। उसी से जुड़ी दास्तान अगले एपिसोड में ग्रामोफोन रिकॉर्ड की जुबानी लेकर आएंगी रश्मिता। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। वंदे मातरम। रहो